आपको एक वाक्या सुनाता हूँ। ये वाक्या मेरे घर का है, यानी मैंने कहीं से सुना नहीं, घर का। जब ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों पे काश्त होती थी, तो मेरा ताल्लुक एक जमींदार घराने से। 1961 में सबसे पहले पूरे इलाके में मेरे वालिद ट्रैक्टर लेकर आए थे 14,000 का, तो बड़ी हुलहुल हो गई भी मियाँ लबक 14,000 का ट्रैक्टर ले आए, 14,000। वो 1,000 को नहीं देखता था उस वक्त, तो 14,000 का ट्रैक्टर, वो तो सारे धूम मच गई कि मियाँ लबक 14,000 का ट्रैक्टर ले लिया। तो वो बैल होते थे, हमारे एक बैल ने चारा खाना छोड़ दिया, तो एक दो दिन तो नौकर ने नोटिस नहीं लिया। तीसरे दिन उनका मियाँ साहब, दांत कहते हैं हमारी जुबान में, दांत जड़ा बैल है तो चारा नहीं, पट्ठे नहीं खा रहा। तो अब्बा जी ने, मरहूम ने बुलाया डॉक्टर, उसने देखा, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, ठीक, कोई मसला नहीं। तो ये बेचारा क्यों नहीं खा रहा, का एक पता कोई नहीं। तो एक देसी हकीम था हमारे करीब, तो वाली साहब मरहूम ने घोड़े पर एक नौकर को भेजा कि जाओ उसको उठा के लाओ। उसको लेकर आए तो उसने बैल को यूं देखा, कहने लगा मियाँ साहब इन पट्ठे कौन पांदा है। तो एक हमारा नौकर था अलादिता कसाई, तो उसको दित्तू कसाई कहते थे। कहा अब्बा जी ने कहा जी ऐ है दित्तू, ओए ओरिया। उसको बुलाया, बैल के सामने बिठाया, जूता उतारा और 5-7 उसके सर में मारे, ठा ठा ठा। कहना जी पट्ठे पाओ, पट्ठे पाए तो वो खाने लगा। उस ये मैं आपको घर का वाक्या सुना रहा हूँ, घर का, सुनी सुनाई नहीं सुना रहा हूँ, अपने घर की बता रहा हूँ। अब्बा जी ने कहा एक ही जादू है। उन्होंने कहा जादू नहीं है, ये आपके नौकर ने इसको कहीं कोई सोटियाँ मार दी हैं और ये वट खा गया था, इसको गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उस मारे क्यों, मैं तो चंगा भला काम दे रहा हूँ, आज जब मैंने उसकी ठुकाई की तो उसको तसल्ली होगी, मेरा बदला हो गया, उन्होंने उस पट्ठे खा ले। इज्जत नफ्स तो जानवर भी चाहता है। हम मातहत को जलील करें, ऊपर वालों को मक्खन लगाएं, नीचे वालों को जलील करें, ये माएँ अपने बच्चों को मारें भी सही फिर कहें इनके वो खिदमत भी करें, ये कैसे होगा। और एक वाक्य मेरा चश्मदीद है, एक हमारा मेरे वाले साहब को घोड़े रखने का शौक था, तो बड़े नस्ली घोड़े रखा करते, एक घोड़ा सफ़ेद रंग था, उसे नुकरा कहते हैं, तो बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत चलता था। कोई गलती से उसको छांटा मार देता तो गुस्से में खड़ा हो जाता था, चलता नहीं था, फिर बड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा होता फिर चलता था। एक दिन मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों तांगे पर और हमारा कोचवान उसको चला रहा, चाचा गामू मरहूम उसका नाम था, तो उसने ना उसको छांटा मार दी। ये मेरा देखा वाक्य है, वो खड़ा हो गया, वहीं खड़ा हो गया, उसने सारे जोर लगाए और हिला नहीं। 3-4 आदमी बुलाए, जब ऐसे कभी घोड़ा तांगे में खड़ा हो जाता था तो फिर एक देहाती ट्रिक था, 2-3 आदमी इधर इधर पहिए को घुमाते थे, पहिया घूम कर जब वो तांगे की लगती थी ना उसको हुक, उसके पुश्त में ही वो पीछे, तो फिर वो चल पड़ता था। तो उन्हें 3-4 इधर 3-4 इधर जोर लगा ली, वो हिला ही नहीं। अब देखे उसने क्या किया, वो नीचे आया और अपनी पगड़ी उतारी और उसके पाँव पे रख के कहने लगा अल्लाह दाना आए हूँ तक टोर पाओ। यकीन माने मैं आपको आंखों देखा बता रहा हूँ। उसके बाद उसने आके लगाम उठाई, घोड़ा चल पड़ा। लाई आप सीरतुन नबी का एक लफ्ज ले लें तो आप सबके लिए काफ़ी हो जाएगा, मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, इन मस्तूरात के लिए काफ़ी, कि हम मीठा बोल नहीं बोलते। बतौर माँ मुझे कैसे बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। बतौर बाप मुझे कैसे बोलना है, नहीं बोलते। बतौर भाई मुझे कैसे बोलना है, ऐसा बोल हम नहीं बोलते। बतौर बॉस मुझे मातहत के साथ कैसे बोलना है, हम नहीं बोलते। बतौर मालिक मुझे नौकर के साथ कैसे बोलना है, ऐसा हम बोल नहीं बोलते। एक दोस्त के साथ मुझे कैसे बोलना, हम नहीं बोलते। तो सारे मुआशरे में आग लग गई, मोहब्बत नाम की शय मिट गई।
वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। तो वफा मोहब्बत कैसे उठती है जब ये नागन बन जाती है। मेरे रब की कसम, पूरी दुनिया का शहद इकट्ठा करूं तो एक मीठा बोल उससे ज़्यादा मिठास रखता है, और अल्लाह की कसम सात समंदर की कड़वाहट इकट्ठी करूं तो एक ज़बान का कड़वा बोल उससे ज़्यादा कड़वाहट रखता है। हज़ारों साल पहले अल्लाह अपने हबीब को हाईलाइट करने के लिए, मैंने क्या कहा, सिफात की कोई इंतहा है मेरे नबी की? किस चीज़ को हाईलाइट किया है? जिस पे मुआशरा खूबसूरत बनता है। ला यकूलुल खना, जो कभी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जो किसी के दिल को तोड़ दे, किसी का आंसू बह जाए, किसी की आह निकल जाए, किसी की फरियाद निकल जाए। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल आपस में मोहब्बत करना है। और मोहब्बत कैसे पैदा होती है? मीठे बोल से, अच्छे अखलाक से। मोहब्बतों को पैदा करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, सरमाया नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। ओहदे की इज्जत सिर्फ आपके सामने होगी, चार कदम बाहर जाकर आपको गालियां निकालेंगे। मैं एक जगह बैठा था तो दो आदमी मेरे पीछे बैठे थे, तो एक हमारे इलाके का बड़ा आदमी एंटर हुआ, साथ नौकर हुक्का उठाया हुआ जो, और बैग उठाया हुआ। ये दोनों ने तस्बीह ना, ए फलाना उसकी माँ बहन एक कर दी, इतनी गालियाँ उसको निकल। और जब वो करीब आया, सरदार साहब आओ ना, तशरीफ तो ले आओ, आओ ना। वो सरदार दा कुल्ला होर चौ गया, वे मेरी तो बड़ी इज्जत है, हालांकि मुझे तो पता था क्या इज्जत हुई है। यही आप लोगों के साथ होती है।